आज हमारे साथ मौजूद है जी करण राजपूत, जो सिंगर भी है और लिरिसिस्ट भी है। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि अगर कोई नया बंदा म्यूजिक वाली लाइन में आना चाहता है तो वो कैसे आ सकता है, म्यूजिक कंपोजर करना चाहता है वो कैसे कर सकता है, और भी मतलब म्यूजिक से रिलेटेड ही हम लोग बातचीत करेंगे। तू कर दे कुछ होर कहीं ना। मेरा नाम है करण राजपूत, मैं सिंगर हूँ, हिंदी पंजाबी सॉन्ग्स एंड लिरिसिस्ट भी हूँ। मैं मेरे अपने गाए हुए गाने और मेरे एज ए लिरिसिस्ट और सिंगर्स ने भी कई गाने गाए हैं। सबसे पहले तो करण मुझे ये बताओ कि जब गाना लिखते हैं तुम लोग, है ना जी, एज ए लिरिसिस्ट, तो बंदा होता है ना, जैसे बताते हैं कि बड़ा शांत माहौल चाहिए होता है, या ऐसा अपना सिस्टम है कि कहीं भी बैठ के गाना लिख सकते हो तुम किसी भी माहौल में? माहौल आउटसाइड माहौल इतना इफेक्ट नहीं करता, तुम्हारे अंदर क्या माहौल है वो मैटर करता है। जैसे अच्छा, कुछ गाने मेरे को ट्रैवल के टाइम भी आते हैं, कुछ नेचर कॉल के टाइम भी आते हैं, तो वो थॉट आपको कहीं भी किसी की बात में आ जाएंगे। आप कुछ बात करेंगे, कोई आप, मैं पूरी बात सुन ली, मेरे को उस बात में कुछ ऐसी लाइन क्लिक कर जाएगी जो मेरे दिमाग में फिट हो जाएगी कि हाँ ये टॉपिक मिल सकता है। तो गाना कंप्लीट करने में कितने दिन लग जाते हैं लिखने गाने में और बनाने में? मतलब फास्टेस्ट बता सकता हूँ? नहीं नहीं, सिर्फ लिखने की बात कर रहे हैं। लिखने का तो कुछ ऐसा नहीं है, जैसे कई बार क्या होता है कुछ गाने मैं एक दिन में भी लिख देता हूँ, कुछ ऐसा होता है। एक आपके लिए लिखा था, याद होगा। अच्छा। एक दिन में लिखा था हमने, कोई रिप्लाई सॉन्ग था, वो भाई के चैनल पे पड़ा है, वो आप जाके सुनना। और सुनंदा शर्मा का गाना नहीं आया था कि तेरी नमी से लीजे नालों मेरे सैंडल सोने, तो उसके रिप्लाई में निकाला था कि जेड़े तू सैंडलों की गल करदी हो यारा ने दवाई होगा। वो तनक सी गा तिखा सानू जच आई नी, रब को सटोग नवा बच आई नी, ओ जेड़े पंदरा देना तू अण तोते लग दे नी, पैसे ला के ओ बनाए होए आ, जेड़े आ तू सेंटला दी गल करदी नी, ओ भी यारा ने दवाए होए आ। सिंगर इन पंजाब जी, तो कितना मुश्किल है एक बंदे को म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर करना, और अगर हमने गाना एक बना लिया, उसे हमने अच्छे लेवल पे लॉन्च करना, तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? सबसे क्लियर कर देता हूँ मैं बात बिल्कुल ही, कि अगर कोई सोचता है कि मैं गाना करूंगा, इन्वेस्टमेंट लगाऊंगा, पहले गाने पे पैसा लगा दूंगा, बहुत पैसा लगा दूंगा, बहुत अच्छे लिरिसिस्ट से लिरिक्स ले लूंगा, बहुत अच्छे म्यूजिक प्रोड्यूसर से म्यूजिक करवा लूंगा, टॉप की वीडियो बनवा लूंगा, 25-30-40 लाख का ट्रैक कर लूंगा, ऐसा हो जिसके पास है, जिसके पास नहीं भी वो अरेंज करके करवा लेगा, और वो सोचे उसके बाद जी मेरा काम हो जाएगा, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल उसको कह सकते हैं, वो खत्म। मतलब एक गाना हिट किसी का भी हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊंचाई पे पहुंचना आसान होता है लेकिन ऊंचाई पे कायम रहना मुश्किल। हाँ, घुस तो देखो, आजकल आपने बोला कि घुसना नहीं मुश्किल, आप यूट्यूब चैनल बनाओ, कल को एक गाना, आजकल तो सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसमें बनाओ म्यूजिक, लगाओ ट्रैक, कैरोके लगा दो, उसमें डाल दो, बट उसमें एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल, उसमें आपका रुकना, टिकना, एग्जिस्ट करना, उससे कमाना, क्योंकि इस इंडस्ट्री में पैसा भी लगता है। Until you get the producers. इसमें सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, अपने काम पे या अपने ऊपर वर्क ही नहीं करते, सीधा पैसा लेके घुस जाते हैं। तो मैं गाना बनाता हूँ, यूट्यूब पे डाल देता हूँ, मैंने चीज क्या सीखी है कि अपना कंटेंट दिखा रो, अपने कंटेंट को पॉलिश करो, क्योंकि यूट्यूब एक इंजन ही है, वो एक मैकेनिज्म है, जब चलेगा आपका पिछला अगला सब चलेगा। शुरू करो, अगर आप सीरियसली जा रहे हो, किसी को भी सीरियसली कुछ भी करना है, एटलीस्ट शुरू तो करो। अगर सोच रहे हैं कि यार एक गाना करूंगा नहीं चलेगा तो कैसे होगा, तू करेगा ही नहीं भाई तो कैसे चलेगा, करना तो पड़ेगा एक बार शुरू। अच्छा, यू तो अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल म्यूजिक कंपोजर बनना चाहता, म्यूजिक प्रोड्यूस करना चाहता, तो कितने टाइम में बंदा वो चीज सीख सकता है? बेसिक टू बेसिक अगर बैठा रहेगा आदमी, मैं अपना बताता हूँ, मैंने बिल्कुल स्क्रैच से जैसे जब शुरू किया था, तो आपको बेसिक सीखना तो सीखोगे, तो आप पूरा टाइम जितना टाइम काम करोगे उस टाइम हर सीखते ही जाओगे तुम, बट बेसिक टू बेसिक अरेंजमेंट्स क्या है वो आप सीख जाओगे 6-7 महीने 8 महीने, वो भी अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हो तो। ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर कौन सा है जो सीखना चाहिए लोगों को? किसी में भी नहीं, एक चलता है शायद FL स्टूडियो, FL में करो, क्यूबेस में करो, नैंडोज में करो, किसी में करो, तुम्हें काम करना आना चाहिए। मेरे जैसे बेसुरी सिंगर भी बहुत है, ऑटो ट्यून। हाँ जी, सही बात है। ऑटो ट्यून किस लेवल तक बंदे की आवाज को इंप्रूव कर देता है? आप पूछ सकते हो ऑटो ट्यून को, साक्षात है वो तो। ऑटो ट्यून कर सकती है, करते ही हैं, बहुत लोग करते हैं, बना देती है वो बढ़िया। इनकी तो अच्छी आवाज है, ऐसी बात नहीं है, इनकी आवाज अच्छी है, जबकि वो प्रोफेशनल सिंगर नहीं है, पर अच्छी आवाज है इनकी, नो डाउट। कई लोग क्या करते हैं जो नए बंदे इंडस्ट्री में हिट होना चाहते हैं तो कंट्रोवर्सी कर, लेकिन हमारा मोटिव तो हिट होना ही है, तो कंट्रोवर्सी बंदा कर ले फिर क्या उसमें प्रॉब्लम क्या है?
अपनी प्रेफरेंसेस है आपकी, आपकी प्रेफरेंस होगी हाईलाइट होने की, सबकी अपनी अपनी होती है, कईयों की नहीं होती। जो अपने काम पे लगे रहते हैं उनको टाइम लग जाता है, पर ये है कि उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। शॉर्टकट अपनाओ ना, फिर शॉर्टकट करो, करो कंट्रोवर्सी। हाँ, कंट्रोवर्सी ज्यादा लंबा समय नहीं चलता। हाँ, कर रही है आजकल, काम करती है, बहुत करती है, तुम्हें कुछ होना भी चाहिए कंट्रोवर्सी करने के। करण राजपूत से गाना सुन लिया जाए, कोई अपना फेवरेट फेवरेट मेरा 4 तारीख नया गाना आ रहा है मेरा, सारे सुनना जाके, फोक स्टाइल म्यूजिक लेवल पे आ रहा है, दोस्तों यारों के लिए ही है गाना, महफिल के लिए। अच्छा, पहली मेरी तो खा दे गई, हो दूजी दा भी साक हो गया, तीजी ने जो यार मेरे देख ले, मन ओदा भी खराब हो गया। बोतल दे विचो केंदी पंजवीं, का तो यार मेरा माड़ा हो गया, कल छेवी वारी हो गया प्यार यार नू, यार हम मेरे आंदा साड़ा हो गया, कल छेवी वारी हो गया प्यार यार नू, यार हम मेरे आंदा साड़ा हो गया। काफी कुछ आपको पता चला होगा जो म्यूजिक लाइन में आना चाहते हैं, तो अगली वीडियो में किसी नई फील्ड के बंदे के साथ आपकी मुलाकात होगी। सो स्टे ट्यून और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, फैलाओ, गाओ और चंगा।